नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सीएम उद्धव ठाकरे ने फैसला सुनाया कि दूसरे राज्यों के जो लोग महाराष्ट्र से अपने गांव जाना चाहते हैं, उन्हें भेजने का इंतजाम सरकार करेगी। साथ ही उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि लोगों को उनके गांव भेजने के लिए ट्रेनें नहीं चलाई जाएगी, बल्कि उन्हें बस के जरिए भेजा जाएगा। सुनिए सीएम उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, यहाँ अटके हुए तो नहीं है, लेकिन जो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी बात चल रही है, जल्द से जल्द रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात जरूर, ट्रेन तो नहीं शुरू होने वाली, कोई भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ होगी तो वापस पाबंदी लगानी होगी। जो भी सूचनाएं सरकार की ओर से मिलेगी आप तक पहुंच जाएंगी, और जब भी संभव होगा सारे लोगों को अपने अपने गांव, अपने अपने घर, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अन्य राज्य है, एक दूसरे की सहायता करते करते हम ये आदान प्रदान करेंगे, जरूर करेंगे। कोटा में हमारे कुछ स्टूडेंट वहां पे हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों में मजदूर है, जैसे मैंने कहा कि बात चल रही है, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जी के साथ चल रही है, केंद्र के साथ बात चल रही है। रास्ता नजदीक आए, निकलेगा, जल्दी से रास्ता निकल आएगा, और हम पूरी तरह से कोशिश नहीं, हम ये करेंगे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करेंगे। तो ये करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब तक आपने पुलिस को डंडे चलाते हुए वीडियो देखा होगा, लोगों के साथ ज्यादती भी करते देखा होगा, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को इस तरह से अपील करते नहीं देखा होगा। देखिए ये किस तरह से अपील कर रहे हैं लोगों के प्रति, वो आपको सुनना चाहिए। हमें लगा कि आप तक वो पहुँचाना चाहिए, इसलिए आप सुनिए एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों, न कोई राह बंदा न कोई राह बंदा नवाज। अस्सलाम अलैकुम, रमजान बस आ ही गए हैं, पर कोरोना के असर में है, इसलिए कई तरह के सवाल है। प्रशासन सतर्क है, फिक्रमंद है, लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने कोरोना देखा है, उससे आ रही परेशानियों से रूबरू हुए हैं, जिम्मेदारी दिखने लगी है और इसकी जरूरत भी है। सब तरफ से कोशिशें हुई है, सबने मन बना रखा है, घर में रहेंगे, इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरा मसला रमजान की जरूरतें है, जो अहम है, उसके लिए कोशिशें हो रही है। खलीस अल्लाह की इबादत है, और रमजान का मतलब ही तैयारी है, सबर है, और मुश्किल हालात डटे रहना है। अभी तक रमजान में बेहतरीन फल से लेकर लजीज खाना दस्तरखान पर रहा है, पर इस बार हालात जुदा है। अल्लाह जो इंतजाम कर दे उस पर शुक्र करे, और बताए रोजे का मतलब ही सबर है। सिर्फ दिन भर ही नहीं करेंगे, पूरे महीने करेंगे, और जैसा भी होगा उससे निपट लेंगे। जो हमारे पास है उसी से काम चलाएंगे, और बताएंगे इन्हीं हालात से निपटने के लिए रोजे रखे जाते हैं। जो होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा, और सब्र ही हथियार है। रमजान मुबारक, जय हिंद। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।